जयेंद्र सुवंद मातरम। कंगना रनौत के लिए समय एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत इस समय काफ़ी बड़ी मुश्किलों में फंस गई और अपनी ही एक मूवी को लेकर फंसी। यहाँ पर कोई ट्विटर का बवाल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक मूवी में इन्होंने काम किया था और उस मूवी के लिए अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो पैसे वापस मांग रहे हैं। कंगना जो कि इन दिनों वैसे भी काफ़ी मतलब बुरे हुए दिनों से गुजर रही हैं, खुद ही वो इस बारे में बता चुकी हैं कि भाई मूवीज़ को बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तो ऐसे में ये एक कदम निकलकर सामने आना, डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपने पैसे वापस मांगना, ये कंगना को वाकई में बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। कंगना रनौत ने अपनी जिस फिल्म को लेकर बॉलीवुड सितारों को खूब खरी खोटी सुनाई है, अब उसी फिल्म के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोड्यूसर्स ने पैसों की डिमांड करी। वैसे तो हाल के समय में कंगना की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आंदोलन गिरी हैं, लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं उनकी मूवी थलाइवी की, जिसका एक्ट्रेस ने जमकर प्रमोशन किया था। आलम यह है कि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना हरजाना तक वापस मांग लिया है। याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं कि अपनी इसी फिल्म के लिए कंगना ने अपनी तारीफ ना केवल मतलब खुद से करी थी, बल्कि हर किसी से कंपेयर भी कर दिया था। बॉलीवुड सितारों के खिलाफ जमकर उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली थी। कंगना ने फिल्म की तारीफ ना करने वाले सेलेब्स को बॉलीवुड माफिया कहकर के लिखा था कि मैं बॉलीवुड माफियाओं का इंतजार कर रही हूँ कि वो हमारे पॉलिटिकल और वैचारिक मतभेदों को दरकिनार रखें और एक अच्छी मूवी की सराहना करें, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि वो अभी अपनी तुच्छ ह्यूमन इमोशन से ऊपर उठें और एक कला को जीतने दें। इसके साथ उन्होंने थलाइवी भी लिखा था। अब देखिए, कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉलीवुड की लेजेंड एक्ट्रेस और तमिलनाडु की CM रहीं जयललिता की बायोग्राफी थी। हालांकि जहां इस फिल्म में कंगना को उनके अभिनय के लिए काफ़ी तारीफ मिली, वहीं सिनेमा की अगर हम बात करें, कमाई की अगर हम बात करें, तो फिल्म अपनी लागत रिकवर नहीं कर पाई। चर्चा है कि इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर जी ने फिल्म प्रोड्यूसर से 6 करोड़ रुपए का रिफंड डिमांड किया है। जाहिर सी बात है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 6 करोड़ रुपए दिए थे और अपने पैसे वो कमा नहीं पाई। प्रोडक्शन कंपनी को जी ने ईमेल के जरिए पेमेंट की डिमांड करते हुए लेटर भेजा है, जिसका जवाब उन्हें अभी हाल फिलहाल में मिला नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना की फिल्म धाकड़ के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। कंगना की अगली फिल्म इमरजेंसी, जिसे वो खुद ही डायरेक्ट कर रही हैं, ये फिल्म साल 1977 में इंडिया में इमरजेंसी के दौरान की कहानी पर बनाई गई। इसमें कंगना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आने वाली। इस फिल्म में दिवंगत सतीश कौशिक की भी अहम भूमिका थी। फिल्म की कमाई की बात करें तो करीब 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थलाइवी ने पहले दिन देशभर में मुश्किल से 22 लाख रुपए कमाए थे। वहीं लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी 2 करोड़ के आंकड़े को भी नहीं छुपाई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने कुल मिलाकर देशभर में केवल 1.91 करोड़ रुपए कमाई करी थी, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर साफ तौर पर अपनी बात को लेकर क्लियर है कि भाई उनको तो अपना पैसा वापस चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर कोर्ट भी जा सकते हैं। कंगना जिनके लिए कि इस समय वैसे ही काफ़ी मुश्किलात भरे चल रहे हैं, इस तरह की खबर सामने आना कहीं से कहीं तक भी उनके लिए अच्छी नहीं। कंगना इसको लेकर क्या एक्शन लेती हैं या ना वो बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये खबर वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि कंगना से ही पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल तय जय हिंद जय भारत।